पहले ये आ गए थे सर मुफ्ती साहब, उनसे पहले सामने लिफ्ट है इधर, ये सामने वाली सर। कितना घंटे लगे ऑपरेशन टोटल में? क्या ऑपरेशन में करीब चार एक तीन चार घंटे का समय लगा था। इस बीच किस तरह की चुनौतियां सर देखने? देखिए पेशेंट को ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, इसी के कारण से उनके अंदर जो है दिमाग में ब्लीडिंग हुई थी, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी पेशेंट को और ब्रेन में भी सूजन थी काफ़ी जब हमने ऑपरेशन शुरू किया। और इन एनेस्थीसिया वालों ने उदयपुर में और जो लोकल न्यूरो सर्जन डॉक्टर गौरव जायसवाल ने काफ़ी अच्छे से पेशेंट को मैनेज किया हुआ था, तो हमको दिक्कत कम आई ऑपरेशन करने में और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है ऑपरेशन। और जो पहले ब्रेन में सूजन थी एकदम से, वो ऑपरेशन के बाद में काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई है। बाहर ले जाने की स्थिति भी है सर? पेशेंट की बाहर सारी सुविधाएं राजस्थान में मौजूद है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशन है जिसका इलाज यहाँ से नहीं हो सकता है। ऑपरेशन के बाद में हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा है आईसीयू के अंदर, ऑब्जर्वेशन चल रहा है। यहाँ के उदयपुर के सारे डॉक्टर्स जो है वो सारा बहुत अच्छे से संभाल कर रहे हैं पेशेंट की, और अभी मॉर्निंग में सीटी स्कैन कराया है वो भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। हमने जयपुर भेज के भी उसको डिस्कस कर लिया है और अभी एक बार हम एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट से पेशेंट को हटा करके और रिव्यू करेंगे सिचुएशन को, इसके बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ऑपरेशन के दौरान क्या बड़ी चुनौतियाँ थी आपके सामने? ऑपरेशन के दौरान जो बड़ी चुनौतियों के अंदर ये था कि एक तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफ़ी अनस्टेबल था, वो बार बार बढ़ रहा था, तो यहाँ के एनेस्थेटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने पूरे टाइम ब्लड प्रेशर को काफ़ी मेंटेन करके रखा, क्योंकि इन केसेस के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो ब्लड प्रेशर बढ़ने से वापस ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। काफ़ी डीप सीटेड हिमेटोमा था, ब्लड काफ़ी गहराई में था ब्रेन के, तो ऐसी स्थिति में यदि दोबारा ब्लीडिंग होती तो पेशेंट के लिए घातक हो सकती थी, ये सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी। अभी फिलहाल सर कितने घंटे चुनौती भर के हैं? अभी काफ़ी समय चुनौती भर रही है, लंबा समय लगेगा पेशेंट को रिकवरी होने में, अभी वेंटिलेटर से भी पूरी तरह से हटने में काफ़ी समय लगेगा और मुश्किल कोर्स ऑफ एक्शन है, डिफ़िकल्ट है पेशेंट के लिए भी, टाइम लगता है इस तरह केसेस में रिकवरी होने में और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बॉडी का कितना हिस्सा सर काम कर रहा है जब बात करें? अभी ये प्रेडिक्ट करना कि बॉडी का कितना हिस्सा काम कर रहा है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अभी हमने पेशेंट को एनेस्थेटाइज करके वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, अभी एक बार हम विड्रॉ करके देखेंगे क्या स्थिति है पेशेंट की, कितना स्टेबिलिटी है और बीपी का क्या स्टेटस रहता है, उसके हिसाब से आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होगा।